हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ पे 3/4 स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कार्डशीट पेपर लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट फैब्रिक पे भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स है पहले आप कार्डशीट पेपर पे कटिंग कीजिए, ताकि आपकी जो भी कटिंग होगी आप कपड़े पे रखेंगे तो आपकी जो भी फैब्रिक होगा उसकी परफेक्ट कटिंग होगी और आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से कार्डशीट पेपर लिया है और मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये 9.5 इंच रखा है। जैसे कि हमारा चेस्ट है, चेस्ट का 1/4 लेके हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे, चेस्ट का 1/4 लेके 1 इंच प्लस करेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम उसकी लंबाई लेंगे। स्लीव की जितनी लंबाई है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। जैसे कि हमें स्लीव रखना है 18 इंच पे, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 19.5 इंच। तो हमारी यहाँ मैंने 18 इंच पे स्लीव ली है और उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया है। और यहाँ से हम बॉटम लेंगे। बॉटम है 4.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें यहाँ से ऊपर की ओर से 2 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है और इसका सेंटर निकालना। जितना हमने चौड़ाई ली है उसका हम सेंटर निकालेंगे। 9.5 इंच है तो इसका हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पे ऊपर मार्किंग करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए, हमने यहां से 2 इंच लिया है तो उसके ऊपर हम यहां से देखिए, हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ से एक मार्किंग करने 1.5 इंच पे। और यहाँ से हमने 2 इंच लिया तो इसे हम एक किस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने 3 इंच लिया है, यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्किंग की और यहाँ से 2 इंच इसे तिरछी लाइन ड्रॉ किया है। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से शेप देना है। इस तरह से हमें शेप देना है। ये आर्महोल का हमारा शेप रहेगा। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से जॉइंट करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे मैं कट कर लूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3/4 स्लीव के लिए इसी चौड़ाई ली। जितना चेस्ट है उसका 1/4 लेके उसमें 1 इंच प्लस किया है, उतनी हमने चौड़ाई ली है। यहाँ पे स्लीव की लंबाई ली है, जितनी स्लीव की लंबाई उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया है। यहाँ से स्लीव का बॉटम लिया हाफ और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। अब यहाँ से हमने कैफेट के लिए 3 इंच लिया है और अंदर की ओर देखिए, यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। इसे तिरछी लाइन दी मैंने यहाँ से 2 इंच पे और इस तरह से आर्महोल का शेप दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे बाहर की ओर से कट कर लेंगे और यहां से हमें थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से तिरछा शेप देना है। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा शेप देना है। इसे मैं यहां से कट कर लूंगी।
पहले मैं इसे यहाँ से कट करूँगी। ये हमारा बैक का आर्म होल रहेगा और यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए मैं यहाँ से इसे इस तरह से कट करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारी बैक का और ये फ्रंट का रहेगा। तो यहाँ पे हमारी 3/4 स्लीव की यहाँ पे कटिंग हो गई। तो मैंने इजी सिंपल तरीके से आपको ये स्लीव 3/4 स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं पता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।